नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। आज हम जानेंगे कि साइनस, कफ रोगों में या छींकें जिनको आती हैं, जिनको बलगम रहती है, श्वास रोग है, उनको दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और अगर पीना चाहिए तो किन नियमों को फॉलो करके दूध पी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि साइनस, कफ आदि ये सब रोगों में गाय का दूध पी सकते हैं, बकरी का दूध पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा, लेकिन भैंस का दूध नहीं पी सकते। भैंस का दूध पचने में भारी होता है और कफकारी होता है, और भैंस का दूध पीने से उनका और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसीलिए भैंस का दूध तो हमेशा भूल ही जाएं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि दूध का लाभ मिले, दिमाग को तरावट मिलती रहे, क्योंकि दूध बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, तो बिना दूध के भी ज़िंदगी में सोचना बड़ा मुश्किल सा लगता है कि दूध नहीं पीते और शरीर में खुश्की सी हो जाती है। बाकी शरीर में यहाँ तो चलो कफ है ही रहता ही है, लेकिन बाकी शरीर में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए दो चार बातें मेरी याद रखें हमेशा। एक तो भैंस का दूध ना पिए, बकरी का सबसे बढ़िया, या गाय का। और चलो मान लिया आप कभी भैंस का ज़िंदगी में कभी कभार के लिए छूट है, लेकिन रोज़ाना के लिए गाय और बकरी का चलेगा। तो आप जब कोई भी दूध पीने लगे, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, आप उसमें हल्का सा पानी डाल करके उसको बॉयल करें। यानी अगर आप किसी भी दूध को, ये सबके लिए एक नियम है, अगर आप दूध को बॉयल करते हैं बिना पानी डाले, तो वो पचने में भारी हो जाएगा और थोड़ा वो गरिष्ठ हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो वो दूध जो है बिना पानी वाला, वो देना चाहिए जिनको बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर हैं, या जिनको भारी चीज़ें पच जाती हैं, हल्के से कुछ बनता नहीं जिनका, उनको बिना पानी वाला उबला दूध दो। लेकिन जिनकी पाचन शक्ति बड़ी कमज़ोर है, दूध पीते ही लूज मोशन आ जाती है, या दूध पचता ही नहीं है, या यूँ कहें कि कफ है, साइनस है, ये सब चीज़ें हैं, एलर्जीज हैं, छींकें हैं, उन लोगों को हल्का सा पानी, एक किलो दूध है तो इतना सा पानी आधा कप डाल के उसको बॉयल करना चाहिए। और जब आपको लगे वो आधा कप पानी सूख गया होगा, तो बस वो दूध आपका तैयार है, वो दूध आपका हल्का हो गया, पीने लायक हो गया। लेकिन दो तीन बातें और याद रखना, अगर आपको कफ रोगों में दूध पीना है तो उसमें आप चार चीज़ें डाल लेकर हमेशा। चार चीज़ों में कौन कौन सी हैं? एक है मुलेठी, और दूसरी है हल्दी, हल्दी पाउडर नहीं, हल्दी की टुकड़ा, हल्दी की जो टुकड़ा, ताज़ी हल्दी आती है, कच्ची हल्दी जिसको बोलते हैं वो, और तीसरी चीज़ है सौंठ, ड्राई जिंजर बोलते हैं, जो अदरक ताज़ा नहीं चलेगा यहाँ दूध में, सूखा हुआ अदरक चलेगा, जिसको सौंठ बोलते हैं। और चौथी चीज़ है पिपली, लंबी पीपल भी बोलते हैं इसको, एक जिसको अचार में डालते हैं लोग या मसालों में यूज़ करते हैं, बड़ी लंबी लंबी सी होती है, पीपल बोलते हैं इसको, पिपली पीपल। तो ये चार चीज़ें आप दूध में डाल लिया करें। आप बोलेंगे ये तो गर्म होती हैं, इनकी मात्रा बहुत कम रखनी होती है। यदि आप एक कप दूध पीने वाले हैं, तो मुश्किल से इन चारों चीज़ों का इतना टुकड़ा आप डाल सकते हैं, यानी इतनी सी हल्दी, मेरी पहली उंगली जो दिखाई दे रही है इसके पहले लकीर तक का, इतना ही, इतनी सी हल्दी, इतना सा सौंठ, इतनी सी मुलेठी और इतनी सी पिपली, ये चारों चीज़ों को आप हल्का हल्का डाल के, दूध जब आप गर्म करने लगे हैं पीने के लिए, उस वक्त डाल के इसको बॉयल कर लें। ये उससे दूध इतना हल्का हो जाएगा कि जल्दी से पच जाएगा। दूसरी बात, कफ नहीं करेगा दूध, जिनको भी दूध से कफ होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं दूध से मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दूध को आप रोज़ाना जो आता है घर में फ्रेश ही लें, पुराना, दो दिन पड़ा हुआ, तीन दिन पुराना, ऐसा दूध ना लें। दूध ताज़ा होगा तो इस, और साथ में ये दो चार चीज़ें इसमें मिला ली जाएंगी उबालते वक्त, तो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मुझे गर्म चीज़ें सूट नहीं करती ज़्यादा, तो मैं क्या करूँ? अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे इतनी ये चारों चीज़ें गर्म है तो मुझे सूट करे ना करे, तो आप सिर्फ दो चीज़ें अगर डाल लेंगे, हल्दी और मुलेठी, मुलेठी ठंडी होती है और हल्दी हल्की सी गर्म लेकिन अच्छी होती है, दोनों, हल्दी और मुलेठी का टुकड़ा डाल करके अगर बॉयल करते हैं, ताज़ी हल्दी का टुकड़ा नहीं मिलता, सूखी हल्दी का टुकड़ा डाल सकते हो, चलो हल्दी का पाउडर भी डाल लो, एक आठवां हिस्सा चम्मच का या एक चौथाई चम्मच तक, लेकिन वो ऐसे नहीं करना कि बनने के बाद ऊपर से आप डाल रहे हैं, बनने के बाद दूध ऊपर से दूध हल्दी डाल के पी ली, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कफ करेगा ही करेगा। आपको अगर लगता है कि हमें दूध कफ ना करे, तो उसको बीच में डाल के बॉयल करना है इन सब चीज़ों को,
कम से कम दो चीज़ें जो मैंने बताई वो तो ज़रूर डालें। उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे दिक्कत करता है हल्का फुल्का दूध, दूध से छींकें आती हैं या नहीं पचता है, तो फिर वो चारों की चारों चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो डाल कर पीजिए। और दूध रात को सोते वक्त पीना बहुत अच्छा होता है, दिन के वक्त दूध ना पिए, रात को दूध पिए, बड़े आराम से पचेगा। दूध हमेशा आप लोहे के बर्तन में बॉयल करें, बेशक लोहे के बर्तन में ही पड़ा रहे और लोहे के बर्तन में ही गर्म करके दोबारा पिया जाए, क्योंकि लोहे के बर्तन में अगर दूध रहता है, आप लोहे के बर्तन में रखें दूध, उसी में उबालें, उसी में गर्म करें, तो उससे वो दूध में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और वो आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। और जैसे आप ये दूध लोहे के बर्तन में बनाकर पीना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपको दूध और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से पचने लग गया और अच्छा असर करने लग गया। नमस्कार।